टांगानिका से पाकिस्तान भिजवाया, क्योंकि माशाल्लाह ये इंग्लिश में तो बहुत माहिर थे मगर उर्दू और अरबी में इनकी जो तालीम थी वो इतनी माया नाज नहीं थी, तो उन्होंने हजरत मुस्लिम माउद से मशवरा किया तो फिर आपको पाकिस्तान भिजवा दिया गया। उस जमाने में तलीमुल इस्लाम कॉलेज था वो लाहौर में होता था और उसमें आप दाखिल हुए और वहाँ पे जब यूनियन के इलेक्शन हुए तो आप यूनियन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और मोहतरम कमर अजीज साहब जो बाद में चीफ सेक्रेटरी सिंध हुए वो भी सदर यूनियन थे। तो इस तरह माशाल्लाह इन दोनों दोस्तों ने दीन में भी और दुनिया में भी अपना नाम कमाया। मोहतरम डॉक्टर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, आप जानते हैं उनको मलका बरतानिया की तरफ से मेडल भी दिए गए हैं, एजाज मिले हैं और इसके अलावा आप यूएनओ में भी जो हमारे रिफ्यूजीज हैं उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप दो ममालिक के एजाजी काउंसलर भी हैं यूके में और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि आपको सरकारी तौर पर सऊदी अरब के बादशाह का सरकारी मेहमान होते हुए हज बैतुल्लाह की भी सआदत नसीब हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है जो आपने इस उम्र में, जबकि आम जवान आदमी भी हज के लिए जाते हुए बात बात सोचते हैं, तो आपको हज की भी तौफीक मिली है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे दोस्त हैं, हमारी कल भी बहुत सारे दोस्तों से बात हो रही थी और अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने ये टीआई कॉलेज का हर तरफ से शोर सुना हुआ है और आप बहुत काम करते हैं और कोई ना कोई हमें खबर आपकी तरफ से मिलती रहती है, मगर आप करते क्या हैं, ये क्यों एसोसिएशन बनी है, तो इसके बारे में भी तो आप हमें कुछ बताएं। कल मेरी चेयरमैन एमटीए से एक मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि आप तो इतने एक्टिव हैं और हर बार आपका कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, तो हमें ये नहीं पता कि ये एसोसिएशन करती क्या है। तो बहरहाल मैंने उनसे जो बता सकता था उन्हें इंफॉर्मेशन दी। तलीमुल इस्लाम कॉलेज जो था वो जब बनाया गया तो ये हमारे पाकिस्तान में पहले ये लाहौर में था, पहले कादियान में था, कादियान से शिफ्ट हुआ जब वो मुल्क की तकसीम हुई, फिर लाहौर रहा और उसके बाद हजरत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में आपने इसकी रफा में इमारत की तामीर फरमाई और इसको कॉलेज का आगाज हुआ। ये कॉलेज जिसने माया नाज तलबा पैदा किए, इसके प्रिंसिपल साहबजादा हजरत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब, उनको अल्लाह ताला ने खिलाफत के मंसब पर फायज़ फरमाया। उसके बाद हमारे मौजूदा हजूर हजरत खलीफतुल मसीह खामस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसर अज़ीज़ भी हमारे तलीमुल इस्लाम कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं, हमसे वो एक दो साल सीनियर थे, हमने आपको स्कूल में भी देखा है। मैं एक वाकया आपको सुना देता हूँ, एक आपके स्टूडेंट ने मुझे सुनाया और मैं उन्हें बहुत उससे महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में थे, जब इंटरवल होता था तो हजूर चले जाते थे, इधर उधर हमें नज़र नहीं आते थे, हम तो कुछ कपियों में मशगूल हो जाते थे, कुछ खाने पीने में मशगूल हो जाते थे। तो एक दिन कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कि हम ये देखें कि हजूर जाते कहाँ पे, हमने उनका पीछा किया तो देखा जो जमात की स्कूल के अंदर मस्जिद थी उसके अंदर आप जोर असर की नमाज अदा कर रहे थे। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने जिसको जो मकाम देना होता है उसकी तरबियत भी साथ साथ कर रहा होता है। तो ये बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़िया था हमारे लिए जो मैंने उस वक्त सुना। इसके अलावा तलीमुल इस्लाम कॉलेज के जो अखराजात थे वो तकरीबन 80% जो थे वो जमात हमारे लिए बर्दाश्त करती थी। हम लोग अब बाहर आ गए हैं, इस मुल्क में हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हम उसमें से कुछ खर्च करके अपने उन गरीब और मुस्तहिक बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड में रकम भिजवाते हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हमारे एक दोस्त थे जो तलीमुल इस्लाम कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट भी थे और नहायत ही गुर्बत की हालत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। वो पाकिस्तान में रवा में रात को रेलवे स्टेशन पे जाके कुली का काम करते थे, दिन के वक्त वो
जो दोस्त होते थे उनका किसी का सामान उठा लिया, किसी को मदद कर दिया, फिर उन्होंने कुछ पैसा दे दिया, तो वो उससे उन्होंने अपने स्कूल का खर्चा को बर्दाश्त किया। तो बड़ी ही गुर्बत के जमाने थे, हम सबको पता है, अक्सरियत वहाँ पे वाकफी जिंदगी की थी, जो नहायत ही मामूली उनको वजीफा मिलता था जमात की तरफ से, जिसके साथ वो अपने बच्चों का भी खर्च करते थे। तो वो जो तलीमुस्सलाम कॉलेज था उसने हमें एक माँ की तरह संभाला, हमारा सारा खर्च बर्दाश्त किया, हमारे लिए उन्होंने इतनी आसानी पैदा की कि हम पढ़ सके और आज हम इस मुल्क में आके आबाद हैं, और अल्लाह ताला के फजल से हम में से तकरीबन सारे नहायत ही अच्छे माली तौर पर मुस्तकम हैं। मोहतरम डॉक्टर साहब का एक वाक्य मैं आपको सुना देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा करें कि उस जमाने में कॉलेज जो था वो कैसे संभालता था। डॉक्टर साहब के वालिद साहब आपको पाकिस्तान पैसे भिजवाते थे आपके खर्च के लिए, और एक दफ़ा ऐसे हुआ कि कुछ पैसे भिजवाने में देर हो गई, कंटीन का वो बिल था जो डॉक्टर साहब ने अदा करना था, और वो कंटीन वाला मुतालबा कर रहा था, उन्होंने जो कंटीन का मालिक था उसने प्रिंसिपल साहब से रब्ता किया, हज़रत खलीफा मसीह सालस उस वक्त तो वो अभी प्रिंसिपल थे हज़रत साहब नासर अहमद साहब, तो जब इनके पैसे आए तो ये लेके दोबारा कंटीन वाले के पास गए और उनको बताया कि मैं अपनी अदायगी अब करना चाहता हूँ, मेरे पैसे आ गए, तो उसने बताया कि आपके पैसे अदा हो चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने शफीक किस्म के साथ थे हमारे, और कितने शफीक हमारे प्रिंसिपल थे जो अपने स्टूडेंट का इतना ख्याल रखते थे। जब ये फारग हुए हैं डॉक्टर साहब, तलीम के लिए इनको स्कॉलरशिप मिल गया, तो ये जाने लगे तो प्रिंसिपल साहब ने कहा आपने हमसे इतनी मोहब्बत बढ़ाई थी, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इतनी मोहब्बत और इतना प्यार होता था स्टूडेंट के साथ हमारे अतासा का, कि आप देख लें कि ये जो दो वाक्यात मैंने आपको सुनाया इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तलीमुस्सलाम कॉलेज के लिए इस साल हमने तकरीबन 32,10,000 रुपए इस वक्त तक हमने भिजवाए हैं, 32,10,000 रुपए जो इस महीने, 30,10,000 हमने इस महीने भिजवाए, और इससे पहले हमने 2,00,000 रुपया अलग भिजवाए थे, तो टोटल 32,10,000 रुपए स्कॉलरशिप फंड में हमें भिजवाए हैं। और अभी जमाती माली साल अभी ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है हम जून तक और रकम भी स्कॉलरशिप फंड में मरकज में भिजवाएंगे, हमारे पास पैसे मौजूद हैं अल्लाह ताला के फजल से, और वो इंशाल्लाह हम भिजवाएंगे और मुस्तहिक और गरीब बच्चों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी जो एसोसिएशन है वो क्या करती है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक वाक्य मैं और सुना देता हूँ। तलीमुस्सलाम दूसरों की खाने के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद दुआ के बाद खाने का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, तो पहले हमारे खुशी जाएंगे उसके बाद हम सब जिला मोहतरम हमाम साहब आप लोग।
Alhamdulillah, it is always a pleasure to be with you all from Germany and from abroad, from UK. I've heard that some representatives have come as well. Welcome here in Germany. And I've heard that the activities of the Talimul Islam High School are memorable, especially from Germany. You're all heads of big families in Germany, Alhamdulillah. Jamaat has grown and we have together more than 40 years made a pace which brought a lot of success because we were united behind Falafel. This was the success of our work and you are part of this work. Nowadays we are in troubled times. The world is in a position of a war coming closer. What Hazrat Khalifa al-Masih, may Allah be his helper, has foretold many years. He is preaching again and again, and now it has become more and more serious. And it was always in these difficult times that the Jamaat had a special service. And for us the situation became more serious and, what you can say, alert for us as Ahmadis. You remember many times. Powder.